अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू नफीशाज फ्लेवर। आज मैं शेयर कर रही हूँ ब्रेड वड़ा की रेसिपी। ये बहुत ही इजी स्नैक्स की रेसिपी है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए इस मजेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 5 मीडियम साइज के आलू को बॉईल कर लिया है और मैशर से इस तरह से मैश कर दे रही हूँ मैं। तो आलू को अच्छे से मैश करना है ताकि उसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना रहे। और अब यहाँ पे एक पैन गरम कर लेंगे और उसमें मैंने 2 चम्मच सरसों का तेल लिया है। आप जो भी तेल यूज करते हो वो ले लें। अब तेल हल्का सा गर्म हो जाए तो उसमें 1/2 टीस्पून काली सरसों डालेंगे, 1/2 टीस्पून सौंफ, 1/2 टीस्पून जीरा और यहाँ पे मैंने 3 हरी मिर्च को काट के डाल दिया है। और इन सबको अच्छे से थोड़ा सा चला लेंगे बस कुछ सेकंड्स के लिए। और अब इसमें प्याज डाल देंगे। 1 प्याज लिया मैंने और इस तरह से स्लाइस में काट लिया है। इसे भी डाल करके अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर। और इन्हें डाल करके अच्छे से इसे कुछ सेकंड्स के लिए चला लेंगे, फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो और भी मसाले ऐड कर सकते हैं। अब इसमें जो हमने आलू मैश करके रखा था वो आलू इसमें मिला देंगे। आलू को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पे नमक और मिर्च आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। वड़ा को चटपटा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आमचूर पाउडर डाला है 1 छोटा चम्मच। आमचूर पाउडर की जगह पे आप चाट मसाला या नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले और नमक अच्छी तरह से आलू में मिक्स हो जाए। और आखिर में इसमें धनिया के पत्ते डाल करके उसे मिला देंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। आलू को साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब यहाँ पे एक बड़ा सा बाउल लेंगे और उसमें मैंने 2 कप लिया है बेसन और 1/2 कप लिया है मैंने चावल का आटा। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें और थोड़ा कम ही डालें क्योंकि ऑलरेडी हमने आलू में नमक डाला है। 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन लिया है और उसे हाथों से रगड़ के डाल दिया मैंने। और यहाँ पे 1 पिंच मैंने खाने वाला सोडा डाला है, बेकिंग सोडा। और यहाँ पे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। और ये 2 प्याज लिए मैंने और उसे अच्छे से इस तरह से स्लाइस में काट लिया है और उसे हाथों से मसल करके और इसमें डाल देंगे। रफली स्लाइस किए हुए प्याज को ऐड करेंगे और उसी के साथ यहाँ पे हरी मिर्च ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं और यहाँ पे धनिया के पत्ते ले लें। अब इन सबको ना बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और बिल्कुल थिक सा एक बैटर रेडी करेंगे। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो जल्दी से एक लाइक कर दें और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दें। अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि ऐसी आसान और डिलीशियस रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे मैंने कुछ ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं और उसके किनारों को कट कर लिया है। आप इसे बिना कट किए हुए भी यूज कर सकते हैं। तो इसे बेलन से ना इस तरह से बेल लेंगे। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं मैंने कुछ ब्रेड के स्लाइसेस को बेल लिया है। ब्रेड को इस तरह से बेल लेने से ना वो फटती नहीं है। और अब इसके ऊपर ना किनारों पे थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा देंगे। तो चारों तरफ से पानी इस तरह से लगा लें। और अब जो हमने आलू का मिक्सचर जो रेडी किया था वड़ा के लिए, तो इस तरह से आलू का पूरा बॉल्स बना लेंगे और ब्रेड के सेंटर में रखेंगे और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे चारों तरफ से और बहुत ही अच्छे से इसे इस तरह से क्लोज कर लेंगे। इस तरह से सारे बॉल्स को रेडी कर लेंगे। और अब जो हमने बेसन का जो मिक्सचर रेडी किया है उसमें डाल करके इस तरह से ना डिप कर लेंगे। चारों तरफ से बेसन अच्छी तरह से लगा लेंगे और बस मीडियम हीट पे ऑयल को गर्म कर लिया है मैंने और इसमें डाल करके अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम हीट पे ही इसे फ्राई करेंगे। तो चारों तरफ से अच्छे से इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। आप इसे ब्रेड पकौड़ा भी बोल सकते हैं। इसे एक बार टी टाइम स्नैक्स में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस पकौड़े की खास बात क्या है ना, आलू अंदर से चटपटा सा और ऊपर से बेसन और प्याज की जो क्रिस्पनेस है ना, वो बस खा के मज़ा ही आना है। और इसे कट करके भी दिखाती हूँ मैं अंदर से, ये देख सकते हैं बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। तो देर किस बात की है, जल्दी से ट्राई करें। अपना खूब ख्याल रखें, खाएं खिलाएं, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।